गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ पहाड़ी मंदिर और पूरा दिखाते हैं लोग। हम लोग चल रहे हैं, देखिए ये है मेरी मैम और ये है मेरी स्टूडेंट, क्या है, जैनम। तो हम लोग तीनों मिलके जा रहे हैं, थोड़ा सा चढ़े हैं, उसी में हम लोग को थकान महसूस होने लगा है। तो गाइस बहुत ज़्यादा है, चलते हैं, चलिए आगे दिखाते हैं और मिलते हैं थोड़ा आगे, तब तक चल लेते हैं। देखिए अभी हम लोग उतना चढ़ चुके हैं और अभी इतना, इससे भी ज़्यादा बाकी है चढ़ने में। आपको आवाज़ से पता चल रहा है कि मुझे कितना थकान हो रहा है, सो हम तो हाँफने लगे हैं। सो गाइस तो देख सकते हैं यहाँ बेर है, ये देखिए पक ही गया है लगभग। ये लोग कैसे खाने के लिए देख रही है, पानी आ गया। व्यूज देखिए, दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए ये चंद्रपुरा दिख रहा है और अभी सब कोई जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखिए बस अब आफ्टर 3 मिनट्स हम लोग पहाड़ी मंदिर में होंगे गाइस। तो अभी हम लोग चढ़ के आ गए, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे गुपचुप लगा हुआ है। लाइट आ रहा है, कितना अच्छा है ना। पहुँच चुके, आइए आप लोगों को मंदिर का दर्शन करवाते हैं। चलो वहाँ से नीचे से तो गाइस देख सकते हैं यहाँ का व्यूज कैसा है। इधर देखिए दिखेगा, ये पहाड़ को ऊपर का व्यू है, बहुत ही सुंदर नजारा है। ये यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह भी किया गया है, मंदिर को सजाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की गई है, बहुत सुंदर मंदिर सजाया गया है। मैं संतोषी मैम से मिली, हमारी स्टूडेंट है जैना फिरदौस, इट्स अ वेरी क्यूट स्टूडेंट। का एंट्रेंस है, कभी भी आप यहाँ पे आके, बहुत ही सुंदर रूल रेगुलेशन है, जूता चप्पल नीचे ही खोले। ये देखिए बहुत ही प्यारा स्टेचू है, ऐसे ये हमारा मंदिर। ये माता रानी का आई थिंक लगभग 100 स्टेप्स होंगे यहाँ पे, जिसमें अभी हम लोग चलना स्टार्ट किए हैं और फाइनली हम लोग मंदिर में पहुँच चुके हैं। देखो बच्चे घंटे फाइनली अब हम लोग आपका वेट पूरा होता है, माता रानी का दर्शन करते हैं हम लोग। ये फाइनली बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लुक है माता रानी का। और कबूतर ने भी यहाँ पे डेरा डाला हुआ है। Oh,
ये मंदिर के ऊपर का व्यू है डीपली। ये हवन कुंड है, यहाँ पे शादी विवाह मंडप दिखा दीजिए इधर से। उतर रहे हैं, ये देखिए, ये मैम और सर क्या सेल्फी ले रहे हैं। अभी उतरेंगे, अब किधर जाना है? वहाँ एक मंदिर है ना? मंदिर नहीं है वहाँ, तो? पे बस फोटो शूटिंग चलता है। अच्छा, वहाँ पे फोटो शूटिंग चलता है, तो वहाँ पे जाके हम लोग एक दो सेल्फी ले लेंगे, तो आप लोगों को वहाँ पे। ये प्राचीन खड़ेश्वरी मंदिर है, ये हमारा कोटिया का दर्शन करवाते हैं, जहाँ पे कर्णेश्वरी बाबा स्थापित हुए थे आई थिंक सो, यहीं पे समाधि लिया गया था। आइए दर्शन करवाते हैं इनका। ये हैं कर्णेश्वरी बाबा, जो हमेशा खड़े ही रहते थे, इन्होंने अपना पूरा लाइफ खड़े ही पूरा अपना जीवन यापन करा है, और यहाँ पे समाधि लिए है। इन्होंने ही ये मंदिर का स्थापना किया है और ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। पहाड़ों के ऊपर ही, पहाड़ को काट करके ये मंदिर बनाया गया है। देखिए बहुत व्यू एकदम नीचे तक का, देखिए ऊपर है ना, ऊपर से एक्चुअली हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं, नीचे का सीन नहीं दिख रहा। इधर इस साइड आप देख सकते हैं कि कितने टॉप पे हैं हम लोग। पहाड़ों को काट करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। देखिए सनसेट का दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये हमारा बहुत बहुत ही सुंदर व्यू है, देखिए हमारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। एक संतोषी मैम है, इधर सर है। एक्चुअली ये मंदिर में बहुत सारे लोगों का शादी विवाह का देखा देखी वगैरह ये सब भी होता है। बहुत सारे लोग यहाँ माता रानी सबकी जोड़ियाँ मिलाती हैं। आई थिंक इस साल इनका भी जोड़ी मिल जाए। इधर नीचे का व्यू है, इधर से आप नीचे भी जा सकते हैं, देखिए। और ये दोनों तो सेल्फी ले रही है। में ये चाट शॉप बहुत फेमस है, आप जब भी यहाँ पे विजिट करने के लिए आओ, ये महिंद्रा चाट भंडार पे खा सकते हो। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी ये है कि ऑनियन गार्लिक वगैरह कुछ नहीं डाला जाता है। ये भैया बहुत अच्छा चाट बनाते हैं, देखिए देखो ये फुचका वगैरह, और विदाउट ऑनियन गार्लिक यहाँ पे मिलता है, इट इज़ बेस्ट पार्ट। और एक्चुअली यहाँ पे शाम हो गया है ना, तो सभी और भी चाट सेंटर अभी बंद करके जा रहे हैं, बट हम लोग जब भी आते हैं इन्हीं के यहाँ पे खाते हैं, बहुत ही अच्छा चाट बनाते हैं, सो टेस्टी। ये मैम के मुंह पे तो पानी ही आ गया है, ये सर तो पूरा वेट कर रहे हैं, बस बस जितना जल्दी मुझे दे दो। हाँ ये देखो बहुत ही अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट भी है खाने का, ठीक है। और इधर ये व्यू, मैं जब भी आती हूँ एक्चुअली ये व्यू देख जरूर ही देखती हूँ, बेल का पेड़ बहुत ही अच्छा है। और अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। गाइस अब हम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं, चाट उट ख़त्म हो गया, पेट भी भर गया हम लोग का पूरा अच्छे तरह से। और कैसा लगा आप लोग का घूमने में यहाँ पे? बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। बस हमको चढ़ने में बहुत मज़ा आया, जितना मुझे ऊपर में घूमने में आया ना, उससे भी ज़्यादा हमको चढ़ने में आया। अब उतरने में और अच्छा लग रहा, देखिए डाउन है, पूरा डाउन इधर। सो गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अरे उसको लो, उसको लो, उसको लो। और देखिए अभी भैया आ रहे हैं बाइक से, एकदम स्लो मोशन में, उसको दिख रहा है बस ये पेट्रोल की बचत होगी इस तरह की वे में। भैया बाइक से चल जाएंगे घर, और हम लोग जा रहे हैं चल चल के, पैदल ही जाएंगे हम लोग घर। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, अब टाटा बाय, सी यू, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you.